Hey guys, मैं सचिन फिर से फेसबुक नई वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आया हूँ मैं इंडिया गेट, और यहाँ पर देखने वाला हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, तो अभी मैं इंडिया गेट साइड पहुँचने वाला हूँ, मतलब पहुँच गया हूँ। सामने मेरा इंडिया गेट है, ज़रा आप भी देखिए इसको एक मिनट। और आज मेरे साथ है मेरा भाई, मेरा दोस्त राहुल, ये मेरा सीनियर है फोटोग्राफी में। तो आज ये मेरे साथ आया घूमने, तो अभी देखते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। यार मैं अंदर आ गया हूँ, और मतलब काफ़ी रश है यहाँ पर, और मतलब अभी गर्मी भी काफ़ी हो रही है, और यहाँ पर मतलब यहाँ सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लेट हो गया हूँ मैं आ जाने में। यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर खाने पीने का सामान भी लगा ही हुआ है। तो आप तो ये रहा मेरे पीछे इंडिया गेट, पूरा दिख रहा है। तो भाई राहुल बता, क्या बताना भाई जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है मतलब काफ़ी दिनों बाद। ये वो गेट है जिसके अंदर से होके हम इंडिया में आते हैं अरे यार सोचा था यहाँ पर जाके थोड़ा आराम करेंगे, फन करेंगे, बट आराम कहाँ है जिंदगी में यार। भाई आराम आराम है, गांधी जी ने नहीं, नेहरू जी ने कहा था। अच्छा, और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या बोला था तुम मुझे खून दो सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देख लो यार कुछ नहीं पता मेरे को इतिहास के बारे में, कुछ नहीं जानते है लड़का इतिहास, भाई हिस्ट्री में कमज़ोर था ये, फिर भी मेरे 90 मार्क्स आए थे 12th क्लास में। चीटिंग करी थी इसने? नहीं 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 भाई, चीटिंग वीटिंग नहीं या तो। अरे मैं यहाँ पर इंडिया गेट देखने आया भाई, मतलब अपनी हिस्ट्री क्यों खोल रहा है तो मतलब अरे 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 भाई यहाँ पर फोटोग्राफर दोस्त मिल गए मेरे क्या हाल है भाई? जो भाई है मेरे घर के पास रहते हैं। आपको दिख रहा होगा पीछे ढूंढ सा, मतलब यहाँ का रास्ता बंद कर रखा है यहाँ पर शायद वॉर में क्या बोलते हैं वॉर मेमोरियल म्यूजियम टाइप का कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर तो खैर जा नहीं सकते, मतलब घूमने का मज़ा तो उधर ही था पार्क का, बट इधर सिर्फ यही है कि मतलब आप आओ यहाँ पर इंडिया गेट देख लो, और भीड़ है यहाँ पर काफ़ी, यहाँ की नाइट लाइट बहुत अच्छी है। नाइट लाइफ तो ठीक है, आज यहाँ पर नाइट लाइफ भी बिता के चलेंगे। अमर ज्योति जवान जो है जल रहा है इसका, मतलब घुसता नहीं कभी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जल रहा है पर उसकी फ्लेम थोड़ी कम है, बट ऐसा नहीं है, वो हमेशा की तरह अपने उस पर हाईएस्ट फ्लेम पे जल रहा है अभी भी। तो चलते हैं आगे। तो जैसा राहुल भाई ने बताया कि मतलब ये जो इंडिया गेट के ऊपर फौजी भाइयों का नाम लिखा हुआ है वो उनकी यादों में लिखा हुआ है ताकि उन्हें लोग हमेशा याद रखें, पर मुझे नहीं पता था, शायद पता था या नहीं, मैं बोल नहीं पाया तो जो भी है, हाँ जो भी है आज पता चल गया, आगे से कोई पूछेगा तो मैं उसे बता सकूँगा, या जो भी है इंडिया गेट आने का कोई तो कोई फ़ायदा हुआ ही मेरे को। आ जाए, अभी मैं जा रहा हूँ एक फाउंटेन के पास, और फाउंटेन पे दिखाऊंगा आपको, रात में उस पर लाइटिंग भी होती है पर अभी तो हुई नहीं है कुछ, पास से दिखाता हूँ मैं आपको फाउंटेन। तो ये जो फाउंटेन है यहाँ पर, इस
इसी में लाइटिंग होती है रात में, मतलब नेशनल फ्लैग जो हमारा है तिरंगा है उसी तरह से, मतलब ऊपर ऑरेंज नीचे ग्रीन बीच में वाइट। बट अभी शायद मेरे को तो नहीं लग रहा कि आज इसमें लाइट चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो ये था पीछे तालाब जिस लिखा हुआ था उस पर, मतलब बोर्ड पे कि आप अंदर नहीं जा सकते और कूद नहीं सकते, इसमें नहा नहीं सकते, बट उसका उल्टा ही है यहाँ पर। तो वो बंदे मस्त नहा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया तो है ही भाई, तभी तो तालाब का पानी हरा है। गोलगप्पे का पानी लग रहा था मतलब लोगों को। एक मिनट थोड़ा सा कीचड़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो मैं बोल रहा था उस पानी में बूंदी डाल के थोड़ा नमक डाल के किसी भी लड़की को पिलाया जा सकता है। तो मतलब पहले तो वो तुम्हें मतलब वाओ करेगी और उसके बाद जो थप्पड़ पड़ेगा मतलब सोच नहीं सकता मैं। तो अभी यहाँ पर तो खैर ज़्यादा घूमने का है नहीं और यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ का सारा कंस्ट्रक्शन का काम, सब कुछ है यहाँ पर। हाँ सब कुछ बंद है, पीछे वो ग्रीन कलर का आप बैरियर देख रहे होंगे वो सब बंद है, नहीं तो मैं आपको आगे भी ले जाता आया तो इसी उसमें था। बट खाने पीने वालों ने अपना जुगाड़ कर ही रखा है और यहाँ पर सब पानी भर रहा है बारिश के कारण। तो चलिए चलते हैं पीछे की साइड और यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी हो गया इस ब्लॉग में। तो अब मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे मेरे अंदर वो ढीटनेस आ रही है, कि मतलब जो मैं पहले कैमरा कॉन्शियस था और शर्माता था, मतलब मैं लोगों के बीच में नहीं बोल पाता था, अभी क्या है कि मतलब मैं आराम से बोल लेता हूँ और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं मतलब इधर की साइड और मेरे को बिल्कुल भी मतलब शर्म नहीं आ रही। तो ये अच्छी बात हुई मेरे लिए, आगे के ब्लॉग्स में मेरे काफ़ी काम आएगा। फाइनली इंडिया गेट घूम गया हूँ मैं और शाम हो रही है, बट यहाँ की जो लाइफ है वो अब स्टार्ट होती है, मतलब लाइट्स वगैरह। बट मैं यहाँ रुक नहीं सकता ज़्यादा देर, मेरे को घर भी जाना है और काम भी है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो लिया मैंने, तो अभी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से। फाइनली मैं इंडिया गेट से घूम के अब घर जा रहा हूँ, अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ और ये सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन है जो कि नियरेस्ट है इंडिया गेट के। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।